Okay guys, so this is going to be paper May-June 2023 variant 2, which is your actual variant jisme logon ne appear bhi hoye the. Define pressure, kya likhoge isme? How would you define pressure? Yeah, force, it is directly defined as the force per unit area या force acting normally per unit area, ये भी लिख सकते हैं आप, और force acting normal per unit area. ये पर जो मैंने लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रेशो पता नहीं क्यों हुआ, पर यूनिट ज्यादा पावरफुल है लैंग्वेज में. यूज द आंसर टू A1 टू शो दैट द SI बेस यूनिट्स ऑफ प्रेशर आर दिस. बहुत आसान है भाई, प्रेशर इज इक्वल टू एफ ओवर ए. तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम ms माइनस 2, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर. तो ये हो जाएगा किलोग्राम m माइनस 1 s माइनस 2. प्रूव्ड, सही है, कोई मसला, नो प्रॉब्लम एट ऑल. अच्छा, फिर उसके बाद थोड़ा सा लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड है. अ हॉरिजॉन्टल पाइप हैज लेंथ l एंड अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस r. अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो फ्लोज थ्रू द पाइप. ओके, द मास m ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द पाइप इन टाइम t इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, मास हमारे पास है. वेयर p1 एंड p2 आर द प्रेशर्स एट द एंड्स ऑफ द पाइप एंड k इज अ कांस्टेंट, व्हाटएवर दैट इज. Determine the SI base units of K. Your target is to find the SI base units of K. अब इसको हम लोग एक काम करते हैं, जो इसमें कॉन्स्टेंट है उनको रद्द कर लेते हैं, डायरेक्ट उसका निकालते यूनिट. सबसे पहले मैं K को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, और यहाँ पर आ जाएगा, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है चेंज इन P, लिख सकता हूँ उसको डायरेक्टली, चेंज इन P लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय R रेस टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय रो मल्टीप्लाइड बाय टी डिवाइडेड बाय, हमारे पास के उधर फेंका है तो नीचे आ रहा है एम एल. मैंने तकरीबन सारे जितने भी कॉन्स्टेंट्स थे उनको हटा दिया मैंने, कैन यू सी दैट, पाए 8 वगैरह सब रद्द कर दिया मैंने, सही है. अच्छा, प्रेशर जो है उसका यूनिट हमारे पास तो हमने पहले ही बनाया हुआ था, इसका यूनिट था के जी एम माइनस 1 एस माइनस 2. ये आर क्या है, क्रॉस रेडियस है, तो इसका मतलब है एम रेस टू पावर 4, ग्रीड. और रो क्या है, ये हो जाएगा किलोग्राम एम माइनस 3. और टी क्या है, टी जो है टाइम है, तो टाइम शुड बी इन सेकेंड्स. और डिवाइडेड बाय एम क्या है, मास, तो के जी. और क्या है इसके साथ, एल क्या है, लेंथ है तो मीटर. इसको जरा सिंप्लीफाई करो, कितना बन रहा है, केजी पर मीटर पर सेकंड, क्या बन रहा है, केजी पर मीटर पर सेकंड. मेरे पास तो ऐसा लग रहा है, हाँ, केजी, एक केजी यहाँ पे कैंसिल, एक केजी यहाँ पर कैंसिल, एक केजी बचा, तो केजी पर मीटर पर सेकंड, ऐसा सही है. कन्विंस योरसेल्फ दिस इज करेक्ट, इट्स अ 3 मार्क क्वेश्चन. अब आप इधर एक चीज नोट करो कि यहाँ पे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये लिखा हुआ था P2 माइनस P1, लेकिन हमें पता है इसका यूनिट तो प्रेशर ही आना है, मैंने चेंज इन प्रेशर इसको लिख दिया इधर, रादर देन के मैं इसको अलग अलग करके करूँ. अलग अलग करके करते तो गोली मार देते अपने आप को, ज़्यादा बेटर होता, सही है, गॉट इट. अच्छा, उसके बाद हमारे पास सवाल बोलता है, एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म टू डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ के बाय मेजरिंग द वैल्यूज ऑफ द अदर क्वांटिटीज इन द इक्वेशन इन बी. द वैल्यूज ऑफ एल एंड आर ईच हैव अ परसेंटेज अनसर्टनिटी ऑफ 2. यानी इसने मुझे बोला है कि मेरे प्यारे बच्चे, हमारे पास एक ये एल है और एक है आर है, इन दोनों में इंडिविजुअली जो परसेंटेज है वो 2% है, लेकिन इसके ऊपर रेस टू पावर 4 लगा हुआ है, तो ये 4 2 और टोटल जो कंट्रीब्यूट कर रहा होगा वो 8% कर रहा होगा, राइट, और जो एल है वो 2% कर रहा होगा, अग्रीड. स्टेट एंड एक्सप्लेन क्वांटिटेटिवली विच ऑफ दीज, क्वांटिटेटिवली यानी यू हैव टू कोट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज
विच ऑफ दीज टू क्वांटिटीज कॉन्ट्रीब्यूट मोर टू दी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ के. तो इसका मैं आंसर ये लिख सकता हूँ, आर कॉन्ट्रीब्यूट्स, बेटे प्लीज बैठ जाओ, आर कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर एज 2% एज आर एज आर रेस टू पावर 4 means total percentage uncertainty, what total percentage uncertainty is equal to 8%, right, compared to 2% of L. Waalaikum salam. Got it? Yes guys, jokes apart, state what is meant by center of gravity of an object. सही है, या वो वाला सही है जो आपने बोला था? एक मिनट, ठीक है. नेक्स्ट, टू ब्लॉक्स आर ऑन अ हॉरिजॉन्टल बीम दैट इज पिवटेड एट इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज शोन इन फिगर 2.1. ओके, एक पिवट है, दो ब्लॉक्स भी रखे हुए हैं, अ लार्ज ब्लॉक ऑफ वेट, एक मिनट मैं इसको हाईलाइट करूंगा, 54 न्यूटन ये वाला, इज अ डिस्टेंस ऑफ 0.45 मीटर्स फ्रॉम द पिवट. अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ वेट 2.4 newton is a distance of 0.95 meter from the pivot and a distance of 0.35 from the right end of the beam. लेकिन मुझे right end से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा तो सारा pivot से distances होने चाहिए. फिर ये कहता है, the right hand end of the beam is connected to the ground by a string that is at an angle of 30 degrees to the horizontal. Okay, so we have this 30. In fact, मैं चाहूँ तो मैं इसको भी 30 लिख सकता हूँ, Z बन रहा है. By taking moments about the pivot, calculate the tension T in the string. अब मुझे moments निकाल के करना है, तो यार इसमें बड़ा आसान सा काम है, और ये पूरा का पूरा जो beam है, this is horizontal, अभी यानी move नहीं कर रही है, ठीक है, this beam is stationary, right? Principle of moments लगा दो इसके अंदर और निकाल लो. भाई इधर देखो, एक moment जो होगा इसके अंदर इसका होगा, जो कि ये वाले, ओ माय गॉड, एक जो मोमेंट होगा उसका मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा. सही है, एक तो ये आ गया, इधर मेरे पास एक मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, और एक जो टेंशन का एक कंपोनेंट होगा डाउनवर्ड्स, वो वाला भी इसको इसी डायरेक्शन में घुमा रहा होगा. ये दोनों करके मैं टेंशन टी निकाल सकता हूं. व्हाट डू यू थिंक? सही है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डायरेक्टली पिवट से पास हो रहा है, तो उसका कोई असर है ही नहीं, राइट? तो अभी अब इसको केयरफुली मैं करने की कोशिश करता हूं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो नंबर वन, ये हो जाएगा बाय टेकिंग मोमेंट्स, मैं इधर लिख भी रहा हूं, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स अबाउट पिवट. मैं इसको कर रहा हूं 54 मल्टीप्लाइड बाय 0.45, ये पहला स्टेप सही है. दिस शुड बी इक्वल टू 2.4, एक मिनट, 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.95, यहां तक भी आ गए. फिर आएगा प्लस,
ये आ जाएगा टी साइन, टी साइन 30 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाय पूरा का पूरा 0.95 प्लस 0.35 कितना 1.3। यहां तक पहुंच गए। अब इसको आप सॉल्व करके टी की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है टी की? जी 34 33.8 न्यूटन। सो टी इज इक्वल टू 34 न्यूटन। सही है, यहां तक भी पहुंच गए। अब मुझे ये कहता है, नेक्स्ट पार्ट में ये कहता है, द स्ट्रिंग इज कट सो दैट द बीम इज नो लॉन्गर इन इक्विलिब्रियम। इसने रस्सी काट दी। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट द पिवट एक्टिंग ऑन द बीम इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। अब मुझे रिजल्टेंट मोमेंट निकालना है। अब सबसे पहली चीज है, ये तो रद्द हो गई, ये तो खत्म हो गया। अब आपके पास एक मोमेंट जो एंटी क्लॉकवाइज है वो ये है, और एक क्लॉकवाइज ये बचा है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सही है, निकाल लेते हैं। तो ये वापस दोबारा से करते हैं कैलकुलेशन। मैं पूरा का पूरा ही कर रहा हूं। सो 54 मल्टीप्लाइड बाय 0.45 माइनस 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.95। सही है, निकाल लो ये कितना आ रहा है। 22.02. जी 22 लिख लेता हूं इसको, 22 रिजल्टेंट मोमेंट 22 न्यूटन मीटर। सही है, गॉट इट, कोई मसला नहीं था। अच्छा इधर देखो, अब सवाल आया, इधर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। द बीम एंड बी rotates about this rotates when the string is cut and the small block of weight 2.4 newton is projected through the air. Figures for 2.2 shows the last part of the path of the block before it hits the ground at point Y. Achha, yani yu ghumte hue gaya Y pe jaake isne strike kiya. Calculate the decrease in the GPE of the block for its movement from X to Y. बच्चों वाला सवाल है यार। ये हो जाएगा, change in GPE must be equal to, इसका वेट कितना था? 2.4 multiplied by 1.8 डायरेक्ट कर लूं, क्योंकि MGH होता है तो MG की वैल्यू तो गिवन है। तो ये निकालिए कितना आ रहा है जी, 4.3 जूल्स। यहां तक क्लियर है, सही है, यहां तक पहुंच गए, ओके। अच्छा अब आपने अभी हेल्प करना, अभी मैं किसी और से सवाल पूछूंगा। हमारे पास दिस इज द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, यहां तक पहुंच गए, यहां तक तो पहुंच गए। मुझे अब ये कहता है, यूज योर आंसर इन C1 जो कि ये वाला आंसर था जो अभी आपने इस्तेमाल किया था, एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी to determine the kinetic energy of the block at Y. यहां पे मुझे kinetic energy निकालनी है, मैं कैसे करूंगा? देखो एक चीज तो मेरे पास given है, इस particular point पे मेरे पास speed पहले से ही given थी, सही है, लेकिन मुझे मुझे total kinetic energy इधर निकालनी है। How am I supposed to approach it? Yes, Surya, कैसे करेंगे? Using law of conservation of energy, कोई भी जवाब नहीं देगा। यहां पे मेरे पास काइनेटिक एनर्जी पहले ही है, उसके बाद यहां से लेकर यहां तक मेरे पास जीपीई कम हुई, तो जीपीई किसमें गई होगी? बेटे सिंपल सी लॉजिक है, सुन लो, लिसन, मैं समझाऊं, इधर जरा सुनो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इधर तो निकाल लोगे, कोई मसला नहीं, हाफ एम वी स्क्वायर से, अग्रीड, यहां तक पहुंचे। उसके बाद यहां से लेकर यहां तक देर वॉज अ डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, अज्यूमिंग नो लॉसेस। ये जो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये भी तो फर्दर काइनेटिक एनर्जी में जाएगी, एड कर लो दोनों को, समझ गए, गॉट इट, ये बात समझ में आ गई। सो इसका मतलब है कि पहले मैं ये कर रहा हूं, यहां पर टोटल के ई एट आई थिंक दैट वॉज वाई शुड बी इक्वल टू हाफ, मास इसका कितना है, मास
2.4 डिवाइडेड बाय 9.81 इनटू इसकी जो स्पीड है वो है 3.4 का स्क्वायर प्लस 4.3 जूल्स जो कि यहां से हमारे पास आया है। निकाल लो कितनी आ रही है जी, यही आ रही है 5 पॉइंट, कोई और भी बता दे। क्या जूल्स 5.7, ठीक है यहां तक भी पहुंच गए। अच्छा आप मुझे जवाब दोगे इसका, सही है। स्टेट द वेरिएशन इफ एनी इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एज इट मूव्स फ्रॉम एक्स टू वाई। एयर रेसिस्टेंस हैज ऑलरेडी बीन नेग्लिजिबल, तो एक्सेलरेशन में कोई फर्क आएगा और उसकी डायरेक्शन में कोई फर्क आएगा? यस नहीं? पीछे, आपके पीछे वाला बेटे जो बैग वाला, यस आप। हाँ एक्सेलरेशन में यहां से यहां तक कोई फर्क आएगा? नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, इट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। सही है। अच्छा अब ये वाला सवाल देखो इधर, द ब्लॉक पासेस पॉइंट एक्स एट टाइम टी एक्स। एक्स कहां पर है? एक्स ये रहा, यू कैन सी दैट, ठीक है, इधर से क्रॉस करके गया है। फिर मुझे कहता है एंड अराइव्स एट पॉइंट वाई एट टाइम टी वाई। ओके ये भी हमारे पास हो गया। ऑन फिगर स्केच अ ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विद टाइम। भाई एयर रेसिस्टेंस नेग्लेक्टेड है तो वो सिंपल और सिंपल कॉन्स्टेंट ही रहेगा। अगर कॉन्स्टेंट रहेगा तो हमारे पास एक सिर्फ फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी इधर, सिंपल एज दैट। सही है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा फिर ये कहता है ये वाला, अ ब्लॉक इज पुल्ड बाय अ फोर्स एक्स। अच्छा फोर्स एक्स है इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन फिगर 3.1। अज्यूम दैट द टोटल रेसिस्टिव फोर्स अपोजिंग द मोशन ऑफ द ब्लॉक इज दिस एट ऑल स्पीड्स ऑफ द ब्लॉक। ओके सो इसका मतलब है रेसिस्टिव फोर्स हमेशा कॉन्स्टेंट है। द वेरिएशन विद टाइम टी of the magnitude of the force x is shown in figure 3.2. we can see that pehle force zyada thi phir force kam ho gayi. ek cheez apne dimag mein rakh lo ke f into t is equal to change in momentum. sahi hai, ye bhi hamare paas aa raha hai, ek cheez to hamare dimag mein ye rehna hi chahiye. define force. ये तो बड़ा आसान सा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सही है। अच्छा फिर ये कह रहा है डिटरमिन द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम टाइम टी इज इक्वल टू जीरो टू टी इज इक्वल टू थ्री। इसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका ये है, यहां से लेकर यहां तक फोर्स है, सही है, यही फोर्स है, कॉन्स्टेंट फोर्स है। अब मैं, मेरे पास यहां से लेकर यहां तक का टाइम भी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो डायरेक्टली चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। व्हाट डू यू सजेस्ट? सही है। सो फोर्स कितनी है ये अगर रीड करें, 1.4। नहीं भाई, हाँ 1.1, 1.2, हाँ 1.4। सो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इन टू टाइम। सो फोर्स इज 1.4। एक मिनट, इसका यूनिट भी तो चेक कर ले, सही है न्यूटन है और टाइम है, और 3 सेकेंड्स की कहानी है तो 3 सेकेंड्स कितना आ रहा है?
4.2 केजी मीटर पर सेकेंड. सो यही आंसर इधर भी आ जाएगा 4.2. गॉट इट. सही है, इसमें तो कोई मसला नहीं था. सो फार सो गुड. डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द मोशन ऑफ द ब्लॉक बिटवीन टाइम 3 seconds एंड टाइम 6 seconds. इधर देखो, मुझे बोलता है कि इधर से लेकर इधर तक जो है मुझे वो मुझे बताओ कि डिस्क्राइब द मोशन. अब सीधी सी बात है, मेरे पास यहां पे जो फोर्स है, सुनो फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है इधर. एक मिनट, ये फोर्स कितनी आ रही है? 0.8 आ रही है. अब मेरे को एक बात बताओ, रिवर्स फोर्स भी 0.8 है, फॉरवर्ड फोर्स भी 0.8 है, रिजल्टेंट फोर्स 0 है. अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन क्या होगी? 0. और स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट. सही है. चले आगे. अच्छा, फिर उसके बाद कहता है फोर्स एक्स प्रोड्यूसेस अ टोटल पावर ऑफ 2 watts व्हेन द ब्लॉक मूव्स बिटवीन टी इज इक्वल टू 3 seconds एंड टाइम टी इज इक्वल टू 6 seconds. कैलकुलेट द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ब्लॉक ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल. हम लोग इसके अंदर एक काम कर सकते हैं, हमारे पास हमें डिस्टेंस निकालना है. तो पावर गिवन है, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी भी होता है या फोर्स इनटू डिस्टेंस ओवर टाइम भी होता है. तो हम लोग सब कुछ ही कर सकते हैं इधर. व्हाट डू यू से? ये कर सकते हैं. सही है. तो भाई पावर कितना है? 2 watts. फोर्स कितना है? ये फोर्स थी 0.8. 0.8 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इज माय टारगेट डिवाइडेड बाय टाइम 3 seconds. निकाल लो कितना. 7.5 क्या मीटर्स. सही है, यहां तक भी पहुंच गए. अब जरा इधर देखो. नाउ दिस इज अ ट्रिकी पार्ट. द ब्लॉक इज एट रेस्ट एट टाइम टी इज इक्वल टू 0. ओके. ऑन फिगर स्केच अ ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ द मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक विद टाइम टी फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0 टू टी इज इक्वल टू 6 seconds. न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ आर नॉट रिक्वायर्ड. अब सबसे पहली चीज है, मेरे पास इस वाले पार्ट में जो ड्राइविंग फोर्स है वो ज्यादा है कंपेयर टू द रेसिस्टिव फोर्स. अग्रीड. तो इधर तो मेरे पास कंफर्म एक्सेलरेशन है ही है, लेकिन इधर मेरे पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है. तो इसका मतलब है कि अगर पहले वाले में एक्सेलरेशन है, वो भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब है कि पहले लाइन जो होगी वो ऐसे जाएगी और फिर उसका फ्लैट हो जाएगी. व्हाट डू यू थिंक? दैट शुड बी द केस, राइट? सो अच्छा, मेरे पास 3 seconds तक तो ये जाएगी ऊपर लाइन. इधर मैं मार्क कर लेता हूं. 3 seconds तक तो मेरे पास ये लाइन जो होगी इधर पहुंचेगी. अग्रीड. और फिर उसके बाद जो है लाइन बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी. सही है. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? या वापस से समझाऊं ये वाला पार्ट? सुनो, लिसन मेरे प्यारे बच्चे, इधर देखो. इस वाले पर्टिकुलर केस में सुनो, मेरे पास रिवर्स फोर्स कितनी थी? 0.8 थी. फॉरवर्ड फोर्स इस बार कितनी है? 1.4 है. एक्सेलरेशन है. अगर एक्सेलरेशन है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी. अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो मेरे पास यहां पर मोमेंटम जो है, मोमेंटम क्या होता है? एम वी होता है.
मास मेरे पास कांस्टेंट है तो बेसिकली वीटी का ग्राफ होगा एक तरह से, उसी जैसा दिखेगा। तो मेरे पास मोमेंटम शुरू में बढ़ रहा होगा कांस्टेंट स्लोप के साथ। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद हमने थोड़ी देर पहले खुद वेरीफाई किया था कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये वाली जो लाइन आ रही है, इधर मेरे पास फॉरवर्ड फोर्स और रिवर्स फोर्स बराबर है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो मोमेंटम मेरे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अग्रीड? तो इसका मतलब है कि मेरे पास लाइन यहां पे 100% फ्लैट हो जाएगी। गॉट इट? सो दिस इज द ग्राफ यू शुड बी गेटिंग। सर, इसका मतलब जो ग्रेडिएंट होगा स्ट्रेट लाइन का, वो 0.6 होना चाहिए। हमें जरूरत ही नहीं है निकालने की, जरूरत ही नहीं है ग्रेडियंट। इसने बोला न्यूमेरिकल वैल्यूज आर नॉट रिक्वायर्ड। जब न्यूमेरिकल वैल्यूज रिक्वायर्ड ही नहीं है तो मैं इतना दिमाग क्यों खराब करूं अपना इस पे? अनलेस अगर कैलकुलेशन होती तो फिर अलग बात था। दिस वॉज अ 10 मार्क क्वेश्चन। 16 नंबर हमने अभी तक स्कोर कर लिए, शायद पास हो चुके हो आप पेपर के अंदर, नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा हमने स्कोर किया अभी। अच्छा, फिर उसके बाद आता है स्प्रिंग वाला सवाल। द स्प्रिंग इज सस्पेंडेड। बेटे मेरे को करवाने दो, मैं पूरा पेपर ही खत्म करना चाह रहा हूं, मेरे पास टाइम कम बचा है। सही है, खत्म हो गया पेपर, आप जा सकते हो। द स्प्रिंग इज सस्पेंडेड फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट एट वन एंड। ओके, द स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड बाय अ वर्टिकल फोर्स अप्लाइड टू द अदर एंड। ओके, द वेरिएशन ऑफ द अप्लाइड फोर्स एफ विद द लेंथ एल ऑफ द स्प्रिंग इज शोन इन फिगर दिस। वी कैन सी दैट मेरे पास ओरिजिनल लेंथ इसकी है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद जो भी आ रहा है वो एक्सटेंशन है। यहां तक भी क्लियर है? मुझे बोलता है स्टेट द नेम ऑफ द लॉ दैट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एंड द एक्सटेंशन। हुक्स लॉ। सही है। डिटरमिन द स्प्रिंग कांस्टेंट इन न्यूटन पर मीटर। अब अगर मुझे स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है तो भाई हमारे पास ग्राफ किस चीज का है? एफ अगेंस्ट एल का है। एफ अगेंस्ट एल का अगर मेरे पास ग्राफ है, एल का अगर ग्राफ है, मैं काम कर सकता हूं उसका ग्रेडियंट निकाल लूं। जो ग्रेडियंट आएगा दैट शुड बी इक्वल टू दैट, वो ही वाली चीज। सो ग्रेडियंट मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एल। सही है। अच्छा, अब मैं काम करता हूं, मैं इसको निकालने के लिए सबसे पहले मेरे पास जो फोर्स में चेंजेस है वो है 12। ग्रेडियंट इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट के विच इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 24 माइनस 8 इनटू 10 रेज टू पावर माइनस 2, ताकि ये मीटर्स में चला जाए। कितना? 75। एक और भी कोई कंफर्म कर ले। 75 न्यूटन पर मीटर। सही है, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट, डिटरमिन द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी व्हेन एफ इज इक्वल टू दिस। भाई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। एक तो है 1/2 एफ ऑफ एक्स, एक है और 1/2 के एक्स स्क्वायर। सही है, मैं एक काम कर लेता, के एक्स स्क्वायर लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 × 75 था इंटू एक्स, जो है वो निकालनी पड़ेगी हमें। एक्स मैं इधर निकालू, कितना इसने फोर्स लगाया है? 6 न्यूटन। अगर इसने 6 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो 6 न्यूटन पर मेरे पास जो एक्सटेंशन आ रही है वो कितनी आ रही है? ये आ रहा है 8 से लेकर 16 तक एक्सटेंशन आ रही है। सो 8 ही हो जाएगी। 8/100 का मतलब है 8 × 10^-2 का होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे इसको मीटर्स में भी लेके जाना है। निकाल लो कितना आ रहा है जी। 0.24 जूल्स। गॉट इट? यार पेपर तो बिल्कुल हलवा है। नेक्स्ट, अ प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम। द वेव कॉजेस अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू वाइब्रेट अलोंग अ लाइन पी। ओके, द एनर्जी ऑफ द वेव प्रोपगेट्स अलोंग द लाइन क्यू।
कंपेयर द डायरेक्शंस ऑफ द लाइंस पी एंड क्यू इफ द वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव. भाई हमारे पास पी और क्यू के बीच में जो परपेंडिकुलर होगा, अग्रीड, यानी मैं बोला कंपेयर द डायरेक्शन ऑफ द लाइंस, यानी यहां पे होगा परपेंडिकुलर और लॉन्जिट्यूडल में क्या होगा पैरेलल. दैट इज इट. अ ट्यूब इज क्लोज्ड एट वन एंड. अ लाउड स्पीकर इज प्लेस्ड नियर द अदर एंड ऑफ द ट्यूब एज शोन. ओके. द लाउड स्पीकर एमिट्स साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.7 किलोहर्ट्ज़. The speed of sound in the air in the tube is 340 meters per second. The stationary wave is formed with an antinode A at the open end of the tube. There is only one other antinode A inside the tube as shown in figure 5.1. हमारे पास एक antinode ये रहा, एक ये रहा, और यहाँ पे हमें पास पता है मेरी nip टूट गई यार pens की यार, बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है. Oh my god. Okay. So the nib broke, but I have an alternate pen. But I always tend to keep an alternate pen with me because this is important. अब जरा इधर देखो, मैं बड़ा smooth hand रखना चाहता हूँ. एक बात याद रखना, open end पे हमेशा antinode बनता है, closed end में हमेशा node बनता है. यानी मैं इधर एक mark कर लेता हूँ, यहाँ पे node है मेरे पास है, और यहाँ पे whatever वो जो भी है सही है, यहाँ पे बीच में एक node होगा, यहाँ पे भी एक node होगा. Agreed. ये भी आ गया. Determine the wavelength. अबे wavelength निकालने के लिए तो कोई मसला ही नहीं है. We already have the frequency with us. We already have the speed with us. So V is equal to F lambda. निकालो कितना आ रहा है. Speed कितनी है 340. Frequency कितनी है 1.7 into 10 is to power 3. और lambda कितना है. कितना 0.2 meters is the wavelength. Agreed. ये information given थी, direct आपने equation इस्तेमाल की, आपका काम हो चुका. अब जरा सुनो बेटे, मेरे प्यारे बच्चे, length of the tube हमें L का size निकालना है. इधर देख लो, सही है. सबसे पहली चीज है antinode to antinode क्या होता है, half lambda होता है. यानी यहां से लेकर यहां तक हाफ लैम्डा, और यहां से लेकर यहां तक क्वार्टर लैम्डा. सो हाफ प्लस क्वार्टर 3/4 L. यानी मैं इधर लिख सकता हूं कि हमारे पास L इज इक्वल टू 3/4 lambda. सो L मस्ट बी इक्वल टू 3/4 इंटू 0.2 कर सकते हैं. कितना आ रहा है कोई और भी बता दे. 0.15 meters. Got it. ये सारी चीजें आप करके बैठे हुए हो, थ्योरी में भी कराई थी मैंने. So far so good. The maximum wavelength of the sound from the loudspeaker that can produce a stationary wave in the tube. अब जरा सुनो, maximum wavelength हमें करना है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए. यानी हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए. और इसके अंदर अगर मैं इस तरह के ट्यूब की बात करूं तो फंडामेंटल का जो शेप होता है वो ये वाला होता है. तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा एल इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1/4 lambda. यानी मेरे पास आ जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू एल, कितना आ रहा था 0.15 मल्टीप्लाई बाय 4. निकालो कितना आ रहा है 0.6 मीटर्स. गॉट इट बेटे. ये सब चीजें रिवाइज कर लो. मैं आपको कसम खा के कहता हूं, मैंने आप लोगों के लिए जो काम करके छोड़ा हुआ है ना YouTube पर, इट हैज एवरीथिंग इन इट. Nothing has been skipped in AS level. सब कुछ डाल दिया है. Listen guys, फिर ये कहता है, अब जरा मुश्किल सवाल है देख लो. Malus's law आ गया इधर, सुन लो. Two polarizing filters are arranged so that their planes are vertical and parallel. Okay. The first filter has its transmission axis
एट एन एंगल ऑफ 35 डिग्रीज टू द वर्टिकल. ओके, मान लिया पहला वाला जो था उसको पहले उसने घुमा दिया है, ठीक है. एंड द सेकेंड फिल्टर हैज इट्स ट्रांसमिशन एंगल अल्फा टू द वर्टिकल एज शोन. अब माइंड यू, ये दोनों एंगल जो इसने दिखाए हैं ये विद द वर्टिकल दिखाए, सही है. लेकिन एक चीज याद रखना, मेलुसिस लॉ के अंदर जो एंगल आता है वो पिछले वाले का ट्रांसमिशन एक्सिस के हिसाब से आता है, यानी ये वाली लाइन से आगे, समझ गए. ये नहीं कर रहा है कि दोनों को उठा के वर्टिकल से करके आपने बोला यार हो गया काम, बेटे बेइज्जती हो जाएगी बहुत बड़ी. खैर मैं समझाता हूं अभी सवाल में. एंगल अल्फा इज ग्रेटर देन 35 एंड लेस देन 90 डिग्रीज. ओके, अ बीम ऑफ वर्टिकली पोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी 8.5 इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फर्स्ट फिल्टर. नॉर्मली ऑन द फर्स्ट फिल्टर पे पहले पोलराइज लाइट आ रही है, यानी इसमें हाफ रूल इस्तेमाल नहीं होगा. अगर ये अनपोलराइज लाइट होती तो पहले आप इंटेंसिटी हाफ गिरा देते, पर जरूरत ही नहीं है इधर. शो दैट द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ट्रांसमिटेड बाय द फर्स्ट फिल्टर इज दिस. अभी तो आसान है, पिछला हमारा जो है जो ट्रांसमिशन एक्सेस है वो हमारे पास जो पिछली वेव आ रही है उसके साथ कितना है, 35 है. सो हम लोग कर सकते हैं I is equal to I naught cos square 35 degrees. और हमारे पास है इंटेंसिटी रिमेनिंग, हमारे पास कितनी, 8.5 cos square 35 degrees. अच्छा कैलकुलेटर में जब डालो तो आप इस तरह करना, 8.5 cos ब्रैकेट्स में 35 और उसके बाद पूरे पर स्क्वायर लगा दो, कितना आ रहा है, आई इज इक्वल टू 5.7 वॉट पर मीटर स्क्वायर. अग्रीड, सही है, यहां तक भी पहुंच गए, कोई मसला ही नहीं था. द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ट्रांसमिटेड बाय द सेकेंड फिल्टर इज दिस. है अच्छा, सेकेंड फिल्टर. कैलकुलेट एंगल अल्फा. बी केयरफुल, बी केयरफुल, बी केयरफुल मेरे चंदा, बी केयरफुल. हमें एंगल अल्फा निकालना है, सही है. सबसे पहले तो मैं एक काम करूंगा, जरा सुनो, मैं एक काम करूंगा, इधर देखो जरा डायग्राम में देखना, ये वाला जो एंगल है ना इससे आगे वाला एंगल निकाल दूंगा मैं पहले, यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, उसके बाद फिर इसमें 35 ऐड करूंगा ताकि टोटल एंगल आ जाए मेरे पास अल्फा विद द वर्टिकल. दोबारा सुनो, देखो, सुनो, सुन तो लो भाई, इधर देखो, एक मिनट मैं इस माइक का मुंह इस तरफ करूं, लिसन भाई, आपके पास क्या है, पहले वाले पोलराइजिंग फिल्टर ने लाइट को यू घुमा दी, सही है. अब ये लाइट मेरे पास इधर पहुंच रही है ऐसे, उसके बाद इसने इस रेफरेंस पॉइंट से इस लाइन को और इधर घुमाया, यानी मेलुसिस लॉ लगाऊंगा तो वो सिर्फ ये वाला एंगल देगा आपको, उसके अंदर आप कौन सा एंगल ऐड करोगे, 35, सिंपल एज दैट, समझ गए. मैं उसको इसमें रिकॉर्डिंग में भी समझा दूं, वरना स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर समझ में ही नहीं आया, आपने तो बोर्ड पे समझाया था. इधर देखो, सुनो, सबसे पहली चीज है, पहले वाले फिल्टर ने लाइट को ऐसे कर दिया, दूसरे वाले फिल्टर जो है उस पे जब ये लाइट पहुंचती है, पहले वाले ने इसको लाइट को यूं किया, जब दूसरे वाले पे लाइट पहुंचती है तो वो इस तरीके से पहुंचती है, लेकिन उसके बाद फर्दर जो इसको घुमाता है वो ये वाला है, और मेलुसिस लॉ में ये वाला एंगल निकलता है. अग्रीड, आपको क्या करना होगा, आपको तो पूरा अल्फा निकालना है, तो पिछला वाला एंगल इसमें ऐड कर दोगे, समझ गए, क्योंकि वो वर्टिकल से पूछा हुआ है. सो लेट्स गिव दिस क्वेश्चन अ शॉट. हमारे पास इंटेंसिटी कितनी थी, रिमेनिंग इंटेंसिटी कितनी है, 5.2, इनिशियल कितनी है, 5.7, और मेरे पास क्या है, कॉस स्क्वायर, इस बार हम लोग लिखते हैं थीटा, दिस इज नॉट अल्फा माइंड यू, पहले तो थीटा निकालो, आप थीटा निकालो, आपको कैलकुलेटर यूज करना आना चाहिए भाई. आप यूं कर लो, 5.2 डिवाइडेड बाय 5.7 रूट लगाओ, एंड दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये आ रहा होगा 5.2 डिवाइडेड बाय 5.7 रूट ऑपरेशन आंसर, शिफ्ट कोस इनवर्स आंसर, ये आ रहा है
17.2 degrees. Agreed? Yahan tak pahunche. Mind you, this is not the answer. So, alpha must be equal to 35 plus 17.2 degrees. Agreed? 52.2. Please tell me, ye samajh mein aaya? समझ गए? नेक्स्ट स्टेप. अब आ गया इलेक्ट्रिसिटी का. चाय नहीं आई हमारी. द करंट इन अ फिलामेंट लैम्प डिक्रीजेस. स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ द रेसिस्टेंस ऑफ द लैम्प चेंजेस. क्या होगा रेसिस्टेंस? क्यों? बेटे ये ओ लेवल का सवाल था. नेक्स्ट. ओ माय गॉड. अ सिलेंड्रिकल वायर हैज लेंथ एल एंड रेसिस्टेंस आर. ओके. द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर्स कंटेन्ड इन द वॉल्यूम ऑफ द वायर इज एन. ईच फ्री इलेक्ट्रॉन हैज चार्ज ई. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द वायर इज वी. Determine expression in terms of some or all of the symbols this for the current in the wire. Pehla wala to aasan hai. I is equal to V over R. The voltage is given. The resistance is already with us. So V over R to ho gaya. Yahan tak bhi pahunch gaye. Ab mujhe bolta hai the average drift speed of the free electrons. Ab agar main drift speed ka formula dekhu to I is equal to N. Small n. A, V और अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो E. यहां तक पहुंच रहे हैं. लेकिन अभी हमें इन सबको मिलाकर हमें कुछ करना है. मैं आपको देता हूं, आप लोग बनाओ इसका एक्सप्रेशन. अच्छा इधर देखो. सबसे पहली चीज है I इज इक्वल टू एन ए वी ई होता है. वेयर N इज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम. ऐसे ही होता है. ठीक है. अब मैंने एक काम किया कि मैंने इसको लिख दिया नंबर ऑफ कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय वी मल्टीप्लाइड बाय ई. सही है. सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि नंबर ऑफ कैरियर्स इसने एन बोला हुआ था, कैपिटल एन बोला हुआ था, तो इसकी जगह पर मैंने एन लिख दिया और नीचे लिखा हुआ था ए एल, क्योंकि वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ. तो इसमें एरिया और एरिया कैंसिल आउट हो गया, नीचे एल बच गया, तो ये सही बना स्टेटमेंट. सही है. This is it. Next हमारे पास कह रहा है the average time taken for the free electrons to move along the wire along the full length of the wire. ये एक मिनट, ये आपके पास हो जाएगा भाई. लेंथ इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम. तो टाइम इज इक्वल टू एल ओवर वी. दैट इज इट. इसको कुछ खोलने की जरूरत ही नहीं है. हो गया ये वाला स्ट्रेट अवे. और तो कुछ था ही नहीं इसमें. वो फिर हाँ मैं इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि इसमें हमारे पास एल एन आर और वो है नहीं, तो वो हम लोग पूरा सब्सटीट्यूट कर लेंगे इसमें. तो टी इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा वी एल ओवर एन आर ई. यहां तक पहुंचे. तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू एल एन आर ई ओवर वी एल. एल एल कैंसिल आउट. सही है, ये भी हो गया. नेक्स्ट. अब आप एक चीज देखो, दो सवाल इलेक्ट्रिसिटी के ही है. अगला सवाल देखो, अ बैटरी ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम.
A battery of electromotive force, 9 volts and negligible internal resistance is connected to a light dependent resistor and a fixed resistor as shown. Calculate the potential difference across the LDR. Direct मैं PD वाला formula लगा रहा हूँ. So ये हो जाएगा V 1800 ohm is equal to 9 multiplied by 1800 divided by 1800 plus 1200. कितना आ रहा है ये? कितना? 5.4 वोल्ट्स. तो ये आ गया 5.4, यहां तक भी हो गया. अच्छा अब इधर देखो, द सर्किट इज नाउ मॉडिफाइड बाय एडिंग अ यूनिफॉर्म रेसिस्टेंस वायर, यानी इसका मतलब है कि उसकी डायमीटर हर जगह सेम होगा, एंड अ गैल्वेनोमीटर एज शोन. ओके, वी कैन सी दैट द लेंथ ऑफ द वायर इटसेल्फ इज 1.2 मीटर्स, यानी यहां से लेकर यहां तक की जो इसकी लेंथ है, जो हमारे पास है रेसिस्टेंस वायर की, वो है 1.2 मीटर्स, जो कि जरूरत पड़ेगी हमें. द मूवेबल कनेक्शन Z इज पोजिशन ऑन द वायर सो दैट द गैल्वेनोमीटर रीडिंग इज जीरो. अगर यहां पे जीरो आ रही है तो इसका मतलब है जो वोल्टेज यहां पर होगा वही वोल्टेज यहां पर भी होना चाहिए. अग्रीड? तो हमें ये कह रहा है कैलकुलेट द लेंथ एक्स जी अलोंग द रेसिस्टेंस वायर. अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, जरा सुनो, मुझे इसकी लेंथ एक्स जी चाहिए और अलोंग द रेसिस्टेंस वायर. हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारे पास इधर का जो पोटेंशियल डिफरेंस था हमने पहले ही निकाला हुआ था, वो कितना आ रहा था? कितना? 5.4 वोल्ट्स हम लोग पहले ही निकाल चुके थे. सही है, ये 5.4 वोल्ट हो गया. तो इसका मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक भी 5.4 वोल्ट्स होगा, यानी मैं एक सिंपल सा रेशियो लगा सकता हूं, 9 वोल्ट्स मस्ट बी इक्वल टू, हमारे पास टोटल लेंथ इसकी कितनी थी? 1.2 मीटर. सो 5.4 वोल्ट्स मस्ट बी इक्वल टू कितनी लेंथ आ रही है? 0.72 मीटर्स. सिंपल एज दैट. सही है, कोई मसला ही नहीं था इसमें. द एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज कॉजेज द डिक्रीज इन द रेसिस्टेंस ऑफ द एलडीआर, यानी मेरे पास इसकी रेसिस्टेंस गिरी. ओके, सही है. स्टेट वेदर देर इज अ डिक्रीज इंक्रीज और नो चेंज टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इल्यूमिनेटिंग द एलडीआर. भाई इंक्रीज हुई होगी, रोशनी बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस गिरेगी, तो इंक्रीज लिख रहा हूं. द टोटल पावर प्रोड्यूस बाय द बैटरी, अब जारी बात है टोटल करंट पीछे से बढ़ेगा, अगर टोटल करंट पीछे से बढ़ेगा तो टोटल पावर भी बढ़ेगा, इंक्रीज. द लेंथ एक्स जी सो दैट द गैल्वेनोमीटर रीड जीरो. अब जरा सुनो, सबसे पहली चीज है इसकी रेसिस्टेंस गिरी तो ये कम वोल्टेज खाएगा, अगर ये कम वोल्टेज खाएगा तो मुझे इसकी लेंथ को रिड्यूस करना पड़ेगा, समझ गए? सो ये वाला हमारे पास लास्ट पॉइंट होगा डिक्रीज. इज दैट क्लियर? ये भी हो गया. अब इसके बाद हमारे पास आखिरी सवाल आया है न्यूक्लियर फिजिक्स का, वो भी कर लेते हैं. न्यूक्लियस पी एंड न्यूक्लियस क्यू आर आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स. न्यूक्लियस क्यू इज अनस्टेबल एंड एमिट्स अ बीटा नेगेटिव पार्टिकल टू फॉर्म अ न्यूक्लियस आर. ओके, बीटा नेगेटिव है हमें पता है, ऊपर सेम नीचे एक ज्यादा, नीचे एक ज्यादा. फॉर न्यूक्लियर दिस कंपेयर द नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम सेम, क्योंकि आइसोटोप से एक दूसरे के. अब ये कह रहा है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे. व्हेन न्यूक्लियस क्यू डिकेज टू फॉर्म न्यूक्लियस आर, क्यू टू आर हम लोग जा रहे हैं, द कोर कॉम्पोजिशन ऑफ द न्यूक्लियन चेंजेस. स्टेट द चेंज टू द कोर कॉम्पोजिशन. अभी सीधी सी बात है, हमारे पास कौन सा डीके हुआ था? बीटा नेगेटिव डीके हुआ था. अगर बीटा नेगेटिव हुआ था तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, यानी मेरे पास यूडीडी से ये किस में कन्वर्ट होगा? यूयूडी में कन्वर्ट होगा, या मैं सिंपल लिख सकता हूं अ डी क्वार्क चेंजेस टू अ यू क्वार्क.
दोनों में से कोई भी लिख दो सही आंसर, सही है। फिर ये कहता है स्टेट द नेम ऑफ अनदर पार्टिकल दैट मस्ट बी एमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस क्यू। भाई अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, यहां पे लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो, और इसको हम लोग सिंबल ये लगाते हैं 00, समझ गए। फिर ये कहता है अ हेड्रॉन हैवी पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ टू चार्म क्वार्क्स एंड वन बॉटम क्वार्क। चार्म क्वार्क का चार्ज निकालो कितना है, पहले चेक कर लो, प्लस टू ओवर थ्री, तो इसका मतलब है टू इन टू प्लस टू ओवर थ्री ई, प्लस बॉटम क्वार्क का कितना है माइनस वन ओवर थ्री ई, तो टोटल चार्ज कितना आ रहा है वन ई। ये पूरा पेपर मैंने आपको सॉल्व करा दिया, कितना टाइम लगा है भाई, 1 घंटा 15 मिनट का 50 मिनट में हो गया सॉल्व। बेटे तो इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्या हैगा, यही तो है। अगर नहीं पढ़े हुए होगे तो चीखें निकल जाएंगी, पढ़कर आए होगे तो बेटे 1 मिनट। Anyways guys, take care, please register to my channel and subscribe and enjoy yourself. 1 million subscribe ki target ki taraf hum log bahut tezi se ja rahe hain, aap log aur isko subscribe karo guys, take care.